दोस्तों, सीआई पाइप में इस बैंड का नाम क्या है सबसे पहले आप लोगों को बताना है। अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। और आज जो हम दिखाएंगे ना, इस बैंड क्या है और सीआई पाइप का कुछ ऐसा काम जो पुराना है बट आप लोग हम लोग कोई नहीं जानते, मतलब बहुत सारे लोग जो है, ये काम जो है बहुत पुराना था तो इस वक्त बंद हो चुका है, मतलब चलता नहीं है। तो ये जो है शीशा ज्वाइंट करके दिखाऊंगा, जो अभी शीशा अभी कढ़ाई में पक रहा है, मतलब इसे गर्म करना पड़ता है। और शीशा का वॉइड जो इतना है, शायद आप देख कर ही आप डर जाएंगे, मतलब एक छोटा सा वॉइड उठाएंगे ना आपको लगेगा वो क्या चीज़ है ये। तो इसी चीज़ के मैटर में आज पूरा शीशा ज्वाइंट सीआई पाइप में कैसे करते हैं पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा। और उस बैंड का नाम अगर नहीं पता है तो बने रहिएगा, आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन में मैं गर्म कर रहा हूँ फिलहाल, इसे दो सिस्टम से गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है वाई बैंड, इस वाई बैंड को फिटिंग करना है। तो यहाँ पर क्या है, डोंगा जो सीमेंट और पानी से जो डोंगा बनाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि जॉइंट मारना है। तो इसका सिस्टम कैसे है वो दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ जो है आपका डोंगा बनाकर गैस्केट जो है थोड़ा सा आपको, मतलब जो एक राउंड होता है ना, बने रहिए पता चलते रहेगा आप लोगों को, एक राउंड आपको यहाँ पर ये यह करना है। और वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा खास अच्छा नहीं आ रहा है। आप इसका जॉइंट किस तरीके से होता है वो हम बताएंगे पूरा, बने रहिएगा, मज़ा आएगा। क्योंकि कभी भी ऐसा काम करते हो तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप लोग हमेशा लाइक जो करना है वो भूल जाते हो, तो ये ज़रूर करिएगा। ओके, अब देख लीजिए, मतलब छन जो है थोड़ा सा, मतलब जो गैसकेट होता है दो राउंड होना, दो राउंड का गैसकेट आपका ये करना है, लेकिन एक राउंड जो है वो डोंगा से भिगोना है। ओके, उसके बाद नीचे रख कर आपको पूरा परफेक्टली स्ट्रेट आपको अंदर देना है। उसके बाद जो है इसका एक छेनी आता है टेढ़ा सा, जो एंड में आपको बता देंगे इस छेनी का नाम क्या क्या है, कौन सा छेनी लगेगा इस सब काम में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कैसे मारा जा रहा है। अब हो गया फर्स्ट डोंगा वाला, उसके बाद सेकंड राउंड जो है, मतलब जो आपका छेन है ना वो टू राउंड होना चाहिए। ओके, उसके बाद ऐसा राउंड राउंड होके, उसके बाद ये जो आपका गैसकेट है ये आपको सेकंड राउंड में जो है सूखा सूखा मारना है, फिर वैसे ही रिपीट करना है आपको, अंदर तक जाने देना है। और ये अंदर जाने के बाद इसका एक सिस्टम है, कितना mm खाली होना चाहिए, उसके बाद आपका शीशा जॉइंट डालना चाहिए, ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक मशीन से आपका शीशा जो गर्म होता है ना, क्योंकि इसे गर्म पिघलाना पड़ता है तो ये काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप लकड़े से करेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। यहाँ पर लकड़ा इसलिए परमिशन नहीं है क्योंकि पोजीशन यहाँ सही नहीं है, यहाँ पर लकड़ी जलाने का परमिशन नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्ट्रेट किया जा रहा है, मतलब फिटिंग कहीं आड़ा टेढ़ा है नहीं है, तो इसे फिर से चेक करके स्ट्रेट करके ऊँचा करना पड़ेगा, इस सब चीज़ का ध्यान देना पड़ता है हमेशा। अब और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, गैसकेट जो मारते हो ना आप जॉइंट में, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो गैसकेट मारते हो अंदर जो है, अंदर से आपका 30 mm जो है वो गैप होना चाहिए, मतलब ये शीशा जॉइंट के लिए आपका 30 mm आपका खाली होना चाहिए, तो आप जो शीशा जॉइंट मारेंगे वो लीकेज नहीं होता है, वो परफेक्ट फिटिंग होता है। तो कभी भी शीशा जॉइंट करते हो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब शीशा जॉइंट के लिए और एक चीज़ है यहाँ पर, जो आप शीशा जॉइंट जब भी करेंगे तो यहाँ पर आपको मिट्टी देना पड़ता है, ठीक है, मतलब मिट्टी का एक कपलिंग बनाना पड़ता है ऊपर से, कहीं आपका जो शीशा जॉइंट जो है वो स्टेच ना हो जाए, मतलब जो आप शीशा डालेंगे इसके अंदर तो वो स्टेच नहीं हो जाए। मतलब बहुत ईजी है लेकिन बहुत सावधान से और बहुत सेफ्टी से आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। शीशा जॉइंट ऐसा एक चीज़ है, मतलब आप हमेशा ऐसा लापरवाही, एक फोटा भी अगर आपका शरीर में गिरता है तो आप समझ लीजिए वो आपका शरीर को फूटा कर देगा, इतना ये कड़ा चीज़ है और इतना वजनदार चीज़ है ये, ठीक है। इसमें आप लोहा भी डाल देंगे ना ये डूबेगा नहीं लोहा से, क्योंकि ये शीशा जो है काफ़ी ज़्यादा वेट होता है। तो आप हो गए रेडी, बिल्कुल सावधान से ये लेकर जाना पड़ेगा। और देखिए, मतलब बहुत ही आसानी से आपको सिर्फ़ एक ही साइड से ऐसा रखना है और डाल देना है, और कितना जल्दी ये टाइट होता है ये देख लीजिए आप, ये डाले हैं ना अभी, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर,
बस समझ लीजिए 10 सेकंड, इसमें 10 सेकंड आपका टाइम लगता है ये टाइट होने में। अब मिट्टी इसे निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिस्टम सिर्फ यही है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, वो पंचिंग ज़रूरत है। अगर लीकेज ना हो तो ये पंचिंग हो रहा है यहाँ पर, देख लीजिए पंचिंग जो है आपको तुरंत करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं पंचिंग। अब इस चीज़ का जो है लास्ट में हम बताएंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए। निकाला होगा यहाँ पर, अभी पंचिंग हो चुका है यहाँ पर। और एक चीज़ देख लीजिए, पंचिंग के बाद जो डिज़ाइन क्या है बिगड़ जाता है ना, तो इस चीज़ को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो उसके बाद कटिंग करना पड़ेगा, धार छेनी रखना पड़ेगा एक चौड़ा वाला थोड़ा सा। उसके बाद जो है आपका शीशा जो है पूरा कट करना पड़ेगा, मतलब पूरा साइज से देखते रहिए आप सिस्टम। तो कभी भी आप ऐसे काम करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ पर ऐसा पोजीशन है, सिचुएशन है, मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कभी होएगा तो कहीं अच्छे जगह में ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊँगा आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से। तो भाई साहब अभी जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, एक इसका ये भी वेस्टेज नहीं है, ठीक है। ये जो शीशा है, ओह ये तो गर्म है, गर्म है, मतलब ये जो है आपका ये काम में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फिर से जहाँ पे गर्म हो रहा है उसमें जाकर आप डाल देंगे, और फिटिंग जो है कंप्लीट हो गया, मतलब तुरंत टाइट हो जाएगा। अब आप लोगों को छेनी का नाम बता देते हैं। ये हो गया आपके एमसील काटने का एंड में, और ये हो गया आपका गैसकेट में आने के लिए, और ये जो है आपका एमसील जब मारते हो फिर आपका शीशा जो मारते हो जब आप उस पर लास्ट में रिपीट करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ये शीशा है, और इसका आप उठा नहीं सकते, एक हाथ में इतना हो जाना है, 1 का 17 किलो वेट है। ओके ये शीशा है आपका। दोस्तों जो सवाल था, इस बैंड का नाम क्या है, इस बैंड का नाम जो है हॉर्न बैंड। ओके ये हॉर्न बैंड मतलब ये जो है वालेंकोमोट का पॉइंट है। ओके यहाँ पर अब ये जो है गैस पाइप है, मतलब ये बेस्टमैन है नीचे। अब बेस्टमैन में जो है अलग से गैस पाइप निकालने के लिए ऐसा पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट सीधा निकल जाएगा, और ऊपर सीलिंग से इसके ही आपका गैस पाइप निकल जाएगा, ठीक है। कम्प्लीटली अगर कभी होएगा तो इसका मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। और ये जो देख रहे हो इसका भी गेस्ट ही है, मतलब हॉरेंटी जिसे बोलते हैं, तो ये भी आपका है। यहाँ वाईटी सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख लीजिए यहाँ से आपका गैस लाइन निकलेगा। बाकी फ़िलहाल वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेगा उसका आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास।